जब मैं अस्मिता जी का प्यार पाने के लिए दीवानों की तरफ फिर रहा था, अपना दिल जला रहा था, तब आप चुपके से अस्मिता जी के प्यार के सपने देख रहे थे, तब तो सच्चाई नहीं बताई आपने। दादा, आंख बंद करके भरोसा करता था मैं आप पर, मेरी मदद का दावा देकर मेरी पत्नी के साथ धोखे से फेरे लेते वक्त आपको सच्चाई बताने का याद नहीं आया? और तो और, आपने अस्मिता जी के दिमाग में भी ये झूठ भर दिया कि शादी आप दोनों की हुई है, हमारी नहीं। इतने सारे झूठ बोलते वक्त एक बार भी आपको ये ख्याल नहीं आया कि ये झूठ का खेल आप अपनों के साथ खेल रहे हैं? और अब आपको सच्चाई बोलने का भूत चढ़ाया है। चौहान भाई, वो तेरी बीवी कभी थी ही नहीं। नजर चले दिमाग से नाराज परिवार से। पंडित जी ने भी और दादी बुआ ने भी यही कहा था कि उसकी शादी मुझसे और वो मेरी बीवी है। बस दादा, आज तो आपने कह दिया, लेकिन आज के बाद ये बात दोबारा अपने मुंह से कभी मत निकालेगा, कभी नहीं, नेवर। लेकिन तू समझा, आगे एक शब्द नहीं। आप मेरी पत्नी पर गलत नजर डाल रहे हैं, मेरे प्यार को गलत नजर से देख रहे हैं आप। आप दोनों के बीच जो कुछ भी था वो सब पहले था, आप दोनों का अतीत था, वो उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहती है, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मेरे साथ करना चाहती है, क्योंकि आपने उन्हें वो इज्जत, वो मान, वो रुतबा कभी दिया ही नहीं जो वो हमेशा से चाहती थी। अरे उन्होंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, बाकी सब छोड़िए, पापा के मर्डर केस में आपको बाइज्जत बरी तक करवाया, लेकिन आपकी याददाश्त ना थोड़ी कमजोर है, किसी का एहसान आप यूं तुरंत तुरंत भूल जाते हैं एकदम। लेकिन इसमें नुकसान आप ही का हुआ है, किसी और का नहीं। और हाँ, एक बात और, कितने घिरे हुए इंसान है। एक तरफ तो आप परमिता बौद्धी के साथ शादी करके बैठे, उनके बच्चे के बाप बनने वाले, और दूसरी तरफ आप मेरी पत्नी पर नजर डाल रहे हैं। लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब मैं अस्मिता जी से उनकी मर्जी से शादी करने जा रहा हूं, उन्हें इस घर की बहू बना कर ला रहा हूं, तो अगर कोई भी उन्हें गंदी नजर से देखेगा ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो कोई भी हो, याद रखिएगा। इतने सालों में हम न जो कर पाए, एक पिद्दी सी लड़की ने आके कर दिया, दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी की दीवार खड़ी कर दी। आखिर अस्मिता हमेशा से मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। बात कीजिए शान मजुमदार। Enough is enough. Destroy. हाथ संभाल कर रितौर, अगली बार ऐसा बोलने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आप ये जो बोल रहे हैं वो मेरी पत्नी, मेरी बीवी, मेरे प्यार पर और इस घर की छोटी बहू पर एक लूज कैरेक्टर का टैग लगा रहे हैं। बहुत हुआ, आप बंद कीजिए ये सब, हम किसी भी प्रकार का तमाशा अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि बहुत तमाशा बन गया मेरी पत्नी का और मेरा, अब और नहीं। चलिए, मुझे मेरी और अस्मिता जी की शादी की तैयारियां करनी। और हाँ, जिसे शादी में आना है वो आए, जिसे नहीं आना वो ना आए, क्योंकि जिसे मेरे और अस्मिता जी के रिश्ते से प्रॉब्लम है वो मेरे लिए मर चुके हैं और मैं उनके लिए। जब तक कुछ की मेरी ना हो जाए मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। कुछ की क्या रेपुटेशन खराब हो ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। यहाँ पर किसी से बात करने या उसे समझाने से बेहतर होगा कि मैं पहले जाकर पुचकी को समझाऊं, उससे बात करूं, उसे समझाना पड़ेगा कि रिदाय से रिश्ता ना बढ़ाकर उसे मुझे अपना पति मानना पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द। मैं जानता हूं कि वो मुझसे गुस्सा है,
और गुस्से में वो खुद का भी नुकसान कर सकती। नहीं, मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि कोई गलत कदम ना उठाए। इससे पहले कि देर हो जाए मुझे जाना होगा। आज नहीं तो कल तुम्हारा साथ सबके सामने आना ही था ना, तो अब क्यों नहीं? देखो मैं तुम्हारी और मोहित की मदद कर दूंगा, तुम दोनों को सेटल भी करवा दूंगा। अब वक्त आ गया है कि तुम सबको बता दो कि ये बच्चा मोहित का है और उसके साथ घर बसा लो बस। पर शान, हमारी शादी हुई है, कानून शादियां ऐसे वो नहीं होती है शान, डिवोर्स देना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा। कौन सी शादी की बात कर रही हो पारो? हमारी शादी कानूनन तौर पर हुई ही नहीं है। को दिखा दो, ये है हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, दोनों जगह पे गलत सिग्नेचर्स। कहाँ है हमारे सिग्नेचर्स? कहीं नहीं है पारो, कहीं नहीं। अब तुम भी आजाद हो और मैं भी, तुम भी अपने मोहित के पास जा सकती है और मैं अपनी अस्मिता के पास। हम दोनों लीगली नहीं बंधे हैं। कोई अनर्थ हो जाए इससे पहले मुझे पुचकी को रोकना होगा। पारो मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जाना है और अस्मिता को रोकना है। पुचकी के पास जाने वाला मेरे होते हुए ये शांतनु और पुचकी कभी एक नहीं हो सकते। तब तक तू सिर्फ और सिर्फ इस पारो का रहेगा। चलानी तू अपने मुंह से बता, क्यों तब तक तेरे साथ क्यों रहेगा? ताकि शान की पत्नी होने के नाते मुझे सारी प्रॉपर्टी मिले और मैं मौजूदार खानदान से जुड़ी रहूं तुम्हारे फायदे के। अरे मेरी चिकनी, एकदम सही। और रब इसे होश तभी आएगा जब जब उस रितुआई और पुचकी की शादी हो जाएगी। जब तक उन दोनों की शादी मुकम्मल नहीं हो जाती ना, ये बेहोश रहना चाहिए, होश में नहीं आना चाहिए। क्या हुआ? आप लोग बैठे हैं? कल सर ने अनाउंस किया था ना, आज साफ सफाई का दिन है। अरे भाई घर में नई बहू आने वाली है। अरे नई नहीं है, पुरानी वाली वापस आ रही। और वैसे भी अगर नई बहू आती तो भी हम क्यों साफ सफाई करते? हमें उम्मीद थी कि आप ऐसा ही कुछ बोलेंगी। सर मैं मौसमी से यही कह रहा था कि वो जरूरत सफाई देने की नहीं है, जरूरत है सफाई करने की। मेरा मानना है कि हमें कभी कभार सफाई कर लेनी चाहिए।
अपने कमरे की, रसोई की, टॉयलेट की, कम्बोर्ड्स की, अलमारियों की, आंगन की और अपने गार्डन की भी। पर पापा उसके लिए तो इतने सारे नौकर चाकर है। हैं, लेकिन फिर भी बहू का आना तो सिर्फ बहाना है, असली कारण तो कुछ और है। और एक कारण नहीं, दो दो कारण है। पहला कारण ये है कि हमारे देश में स्वच्छता का अभियान चल रहा है, बहुत ही अच्छी पहल है अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए, और भारत की पूरी जनता इसे सफल बनाने में लगी हुई है और सफल हुए भी है। टॉयलेट्स बनाए गए जगह जगह पर, जो लोग खुले में शौच करते थे वो समस्या हल हुई है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में 9 करोड़ से भी ज्यादा टॉयलेट बनाए गए, जिनके उपयोग से 93% तक खुले में शौच जाना बंद हुआ है, और 2020 तक तो पूरी तरह से ये समस्या समाप्त हो जाएगी। क्या बात है, अब नामुमकिन मुमकिन है। पापा, मतलब आप ये सब क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप इलेक्शंस में खड़े हो रहे हो क्या? हाँ नहीं, मेरा मतलब है, आपको पता है ना हमारे घर में 5-5 टॉयलेट्स है। यही प्रॉब्लम है तुम जैसे लोगों की। स्वच्छ देश चाहिए, गंदगी बर्दाश्त नहीं, लेकिन उसके लिए करना कुछ नहीं। अगर स्वच्छ देश बनाना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो हम सबको अपना अपना योगदान देना होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन। गांधी जी ने कहा था, पहले आप वैसा बनिए जैसा आप अपने देश और दुनिया को बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम सबको पूर्ण योगदान देना होगा। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपनी गली, आंगन और बाहर सड़कों को भी साफ रखना होगा। हाँ हाँ ठीक है पापा, समझ गई। विश्वजीत, अरे झाड़ू लाओ, एक नहीं दो दो लाना। दो क्यों? नहीं, ऐसे नहीं, लग रहा है जैसे एहसान कर रही हो। जब भी हम किसी चीज की सफाई करते हैं ना, तो उसके साथ साथ हमारे अंतर मन की भी सफाई होती है। क्या आंतरिक सफाई? मतलब समझे नहीं पापा। हाँ, सबकॉन्शियसली आंतरिक मन की भी साथ साथ सफाई हो रही होती है। जब आप अपने हाथों से खुद सफाई करोगी ना, तब इस बात का एहसास हो जाएगा। हम तो आज भी अपनी अलमारियों की सफाई खुद ही करते हैं। अरे इतने देर तक क्या कर रहे थे? हाँ, झाड़ू ला रहे थे या बना रहे थे? दो। आ गया झाड़ू पापा, हम लोग साफ सफाई करेंगे। हाँ, अच्छे से। नील आओ, चलो। हमें पता चला कि अब सोना गाची में नहीं बल्कि यहां है, सो आपसे मिलने चले आए। कुछ पूछना था आपसे। आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? हमारे हृदय की, मौजूमदार खानदान के वारिस की बारात उन बदनाम गलियों में जाएगी? ये सवाल आप हृदय से क्यों नहीं पूछते? मेरी हृदय से बात हो चुकी है। आपका बेटा आपको सफाई देगा, मैं नहीं। ओह, ऐसी काफी समझदार हो गई हैं आप। कौन सी चाबी कब घुमानी है ये सीख गई? ये तो आपकी राय है। मैं तो बस एक सीधी सादी लड़की हूँ जो पूरे आत्मसम्मान के साथ अपने ससुराल जाना चाहती। और वैसे भी वो लड़की के मायके ही आती है ना उसकी बारात उसे लेने के लिए, तो मैंने कुछ गलत मांग लिया क्या? इतना तो हक बनता है अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने का। मनमानी हम भी कर सकते हैं अस्मिता, अगर हम चाहें तो आपको अपनी बहू स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं, इस शादी को रिजेक्ट कर सकते हैं। कौन सी चाबी कहाँ घुमानी है ये आप भी अच्छे से जानती, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। हृदय से सच्चा प्यार जो करती, तभी तो हम कैसे भरोसा कर लें कि इस बार आपको चाल नहीं चल रही। भरोसा करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, पर फिर भी मैं आपको जबान देती कि इस बार मैं शादी पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करूंगी।
एक औरत होने के नाते इतना तो भरोसा आप कर ही सकती हैं। और अब जब मैं वापस आऊंगी तो हृदय का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी, उसे पहले की तरह हंसता खेलता नॉर्मल कर दूंगी, ये वादा है मेरा। हाँ मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, धोखा देना मेरी नियत नहीं। एक आखिरी सवाल, ये रिश्ता आप कैसे निभाने वाली हैं? हृदय की पत्नी बनकर या अपने जेठ की माशूका? हेलो 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 चाचू चाचू मैं कहीं फंसा हुआ हूँ चाचू चाचू प्लीज प्लीज चाचू मुझ पर किसी ने हमला किया है, मुझे यहाँ पर बंदी बना के रखा है चाचू मुझे जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुँचना है। वो गुस्से में फैसला करे जिससे मेरी हृदय की और उसकी सब तीनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। चाचू प्लीज हेल्प मी चाचू। शान शान अभी तुम कहाँ पर हो? चाचू मुझे नहीं पता मैं कहाँ, मुझे नहीं पता कौन सी जगह, मुझे सब लोगों ने बात किया रखा भाई। आपको मैं काम करता हूँ, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। आप अरे क्या कर रहे हैं ये? क्या कर? हेलो हेलो लोकेशन भेजेगा, फोन करेगा। चलो ये शायद अपनी लोकेशन को नहीं भेज रहा है, अब कैसे ढूंढूं इसे? शान आपका बीता हुआ कल है या आने वाला? शान के साथ जो भी था वो अब खत्म हो गया। चंदा माँ के खून के बाद अब कोई रिश्ता नहीं है हमारा, सोच समझ कर ही इस शादी का फैसला लिया है हमने। हमारा बेटा आपको पागलपन की हद तक चाहता है, पर हम अपने हृदय को, हम हृदय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हृदय के लिए हम खुशी खुशी कुएं में कूदकर जान भी दे सकते हैं, खुदकुशी तक कर सकते हैं, तो फिर आपको अपनाने में कैसी झिझक? ये भी तो एक किस्म का सुसाइड ही है ना? खैर हम हामी देते हैं शादी के लिए। ये लीजिए, ये आपके लिए लीजिए। वेलकम टू द फैमिली अस्मिता। हमारे हृदय की पत्नी के रूप में मौजूदार खानदान की छोटी बहू के नाते आपका स्वागत करते हैं हम। एक बात और, आपको घर वापस लाना एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है हमारे लिए। हम आपसे और आपके उस गंदे अतीत से नफरत करते हैं, पर अगर फिर भी हम आपको अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं तो जरा सोचिए हम अपने हृदय से कितना प्यार करते हैं। इस बार अगर आपने हमारे हृदय का दिल तोड़ा या उन्हें तकलीफ पहुंचाई या उन्हें रुलाया तो हम कसम खाकर कहते हैं हम आपका वो हाल करेंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगी। ये नौबत मत आने देना।
आप आएंगी जरूर हृदय की बीवी बनकर, पर हम ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे अस्मिता कि हृदय खुद आपको घर से बाहर निकाल देंगे। शादी की शहनाई शोर बनकर गूंजेगी आपकी जिंदगी में, बर्बाद कर देंगे हम आपको पूरी तरह से। जिसने खुद अपनी बर्बादी मांग में भर ली हो उसे अब क्या डर। शान को अपनी नफरत की इंतहा दिखाने कर रही हूँ ये शादी, ताकि पता चले उसे कि कितना दर्द पहुंचाया उसने मुझे। एक ही छत के नीचे रहेंगे पर अलग अलग। वो रोज हर पल देखेगा मुझे अपने भाई की दुल्हन को। यही सजा है उसकी।